हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम रेनू मैम। ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिकेशंस, देववाणी, संस्कृत पाठमाला, भाग 5, चतुर्दश पाठ है, पाठ 14, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, बच्चों आपने श्रवण कुमार के बारे में सुना है। श्रवण कुमार कौन था, कैसे उसने अपने माता पिता को यात्रा कराई थी, सब बच्चे जानते होंगे। कहाँ कहाँ आया था वो, कैसे उसने कंधे पर बिठाकर अपने माता पिता की सेवा के लिए उनको तीर्थ यात्रा पर लेकर आया था। तो आज हम संस्कृत में उसके बारे में जानते हैं कि श्रवण कुमार ने क्या किया। आइए चलिए जानते हैं कि श्रवण कुमार है ये, अपने माता पिता को इसने कंधे में ऐसे ही कांवड़ में बिठाकर इसी तरह से यात्रा कराई थी, इसने करा रहा था। जानते हैं उसकी यात्रा के समय क्या हुआ। श्रवण कुमार है, हा मात हा पिता, कह माम निर्दोषम हंतुम बाणम अक्षिपर। कहने लगा, हाय माता हाय पिता, किसने मुझे निर्दोष को बाण मुझे मार दिया। आर्तनादम करोति, वो क्या करता है, वो बहुत रोने लगता है, दुख से बहुत रोता है वो। दशरथ ने कहा, दशरथ है आर्तनादम श्रुत्वा जलाशयं गच्छति, उसका ऐसा विलाप सुनकर दशरथ तालाब की ओर जाते हैं। आहतम बालकम विलोक्य, और उस जो आहत था जिसको चोट लगी थी उस बालक को देखकर, आ मह दुष्कृतम जातम, मैंने महान पाप कर दिया, ये वो कस्तुम, ये कैसे हो गया, पुत्र अत्रागत है, ये कहां से आ गया। श्रवण कुमार, अहम एक अकिंचन पथिक अस्मि, मैं एक यात्री हूँ। स्वपित्रौ कृते जलम आने तुम आगत है, अपने माता पिता के लिए जल लेने के लिए यहाँ आया हूँ। दशते कुत्र ते माता पितरौ किमर्थम यहाँ गतौ, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तुम यहाँ कैसे आ गए। श्रवण कुमार ने कहा, मम माता पितरौ अति वृद्धौ तौ नेत्राभ्याम हीनौ च, मेरे जो माता पिता हैं वो बहुत बूढ़े हैं और वो दोनों आंखों से उनको दिखाई नहीं देता है, वो नेत्रहीन है। अहम तौ स्कंधाभ्याम तीर्थ स्थानानि नयामि, मैं उनको कंधों पर बैठाकर तीर्थ स्थान के लिए लेकर आया हूँ। तौ पिपासितौ स्तः, वो दोनों बहुत प्यासे हैं। तयो एव कृते अहम जलम नेतुम इहागत है, उन दोनों के लिए जल लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। दशते हा कष्टम अहम स्वयमेव तत्र गत्वा ताभ्याम जलम दास्यामि, अरे बड़े दुख की बात है ये, मैं स्वयं ही वहां जाकर उनको जल देता हूँ। ऐसा किसने बोला, ऐसा दशरथ ने बोला, क्योंकि जब श्रवण कुमार को उनका तीर लग गया था तब दशरथ ने कहा, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने महान पाप कर दिया, अपराध कर दिया। श्रवण कुमार ने कहा, गच्छतु श्रीमान, जाइए श्रीमान, शीघ्रम गच्छतु, जल्दी जाइए, मम पितरौ पिपासितौ, मेरे माँ बाप प्यासे हैं। तत्र गत्वा तौ जलम पानयतु, वहां उन्हें ले जाकर जल दे दो। इमम हृदयात च इमम शल्यम निस्सारयतु, मेरे हृदय से मेरी जो छाती वही जो बाण लगा हुआ है जाने से पहले इसको निकाल दो। दशरथ तस्य शल्यम अपाकरोति, दशरथ उसके बाण को निकालता है। तत्क्षणमेव श्रवण कुमार प्राणान मुंचति, उसी समय श्रवण कुमार के प्राण निकल जाते हैं। जैसे ही दशरथ हृदय से बाण निकालता है तो श्रवण कुमार के प्राण निकल जाते हैं। तथा दशरथ श्रवण कुमार वचनानुसारम कमंडलुम आदाय तस्य पित्रो समीपं गच्छति, तभी दशरथ श्रवण कुमार के कहने के अनुसार ही कमंडल लेकर पानी का, जिसमें पानी था, उसके पिता के पास जाता है। वृद्ध है जो बूढ़े व्यक्ति थे, दशरथ से पद शब्दम श्रुत्वा, दशरथ के पैरों की आवाज सुनकर, वत्स श्रवण बेटा श्रवण कथम त्वम विलंबेन आगते, तुम देर से कैसे आए, क्योंकि उन्हें तो दिखाई नहीं देता था, उन्हें जब आवाज आई तो उन्हें लगा हमारा बेटा आया है। दशरथ किंचदपि न कथयति, दशरथ कुछ भी नहीं बोलता है, तुष्णीम तिष्ठति चुप रहता है। कस्त्वम इद कदम नरसी, तुम कैसे हो, क्यों नहीं बोल रहे हो। दशरथ ने कहा, क्षम्यताम, मुझे क्षमा करे, अहम दशरथो नाम कौशलाधिप, मैं दशरथ नाम का राजा हूँ। अज्ञानात मया महान अपराध है कृत, अज्ञानतावश मुझसे महान अपराध हो गया है। वृद्ध का अपराध है, बूढ़े ने कहा कैसा अपराध। दशरथ ने कहा, अहम आखेटाय जलाशयम घट शब्दम श्रुत्वा मया विचरितम यत् कोऽपि वन महिषय तत्र समुपस्थित इति, मैं शिकार के लिए तालाब में घड़े की आवाज सुनकर मैंने सोचा कि कोई जंगली जानवर वहां आया हुआ है। अद तस्य बदाय अहम शब्द भेदिने वाणम अमुचम,
और उसका वध करने के लिए मैंने शब्द भेदी बाण चला दिया। तब निर्दोष है पुत्र मया हते, आपका निर्दोष पुत्र मेरे से मारा गया। बच्चों आपने देखा, छुपाया नहीं हुआ। आज के समय में तो कोई अगर किसी को जरा सा टक्कर भी मार देता है तो भाग जाता है, लेकिन दशरथ ने अपना जो उनसे अपराध हुआ था उसको स्वीकार करते हुए वहां आए, उन्हें सब बातें बताई कि मेरे द्वारा आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है। हाँ किम करोमि मंदभाग्य, अरे तुमने ये क्या कर दिया, वृद्धौ स्वपुत्रस्य मरणं विज्ञाय। वृद्ध दोनों माता पिता जो थे अपने मरने की बात, बेटे के मरने की बात को जानकर दुखी थे, बहुत दुखी हो गए। ततः वृद्ध पिता दशरथाय शपति, तब उस बूढ़े पिता ने वृद्ध को श्राप दिया। क्या दिया? वृद्ध ने कहा, यथा अहम पुत्र शोकेन मृत्युपगच्छामि, जैसे मैं पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, तथा तुमपि मृत्यु प्राप्स्यसि, उसी प्रकार तुम भी मृत्यु को प्राप्त होगे। इति एतस्मिन् अंतरौ तौ मृतः, और इस प्रकार कहकर वो दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए, माँ और पिताजी श्रवण कुमार के। तो देखा बच्चों क्या श्राप दिया था उन्होंने, दशरथ ने श्रवण कुमार को श्राप दिया कि जैसे पुत्र के वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है, तुम्हारी भी पुत्र के वियोग में मृत्यु होगी। और ऐसा कब हुआ बच्चों? ऐसा जब हुआ जब राम के लिए कैकेयी माता ने वरदान मांगा कि भरत को राजगद्दी मिले और राम को 14 वर्ष का वनवास हो। जब दशरथ ने ऐसा सुना तो अपने पुत्र के वियोग में दशरथ के भी प्राण चले गए थे। तो आपने देखा कि पहले श्राप का कितना प्रभाव होता था, कि पिता ने जो श्राप दिया दशरथ को, अगले जन्म में जाकर भी दशरथ का वो श्राप फलीभूत हुआ और दशरथ के भी प्राण अपने पुत्र वियोग में उसी प्रकार निकले जैसे कि श्रवण कुमार के माता पिता की अपने पुत्र वियोग में, जो कि निर्दोष था। दशरथ को भी नहीं पता था कि ये ऐसा हो जाएगा, उन्होंने कुछ समझा था कि कोई जानवर आया है पानी पीने तालाब पर, क्योंकि वहां जानवर ही आते थे। अचानक ऐसा हो गया तो उनको बहुत दुख हुआ, और इस प्रकार श्रवण कुमार के प्राण गए और उसके बाद उनके माता पिता के भी प्राण चले गए। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा श्रवण कुमार और उसके माता पिता का क्या हुआ। पाठ में आए हुए कुछ शब्द और अर्थ के बारे में जानते हैं। अशिपत्मा ने फेंका, निर्दोष निरपराध जिसका कोई अपराध नहीं होता। आर्तनाद माने करुण स्वर, बहुत दुखी स्वर में, दुखी आवाज में। दुष्कर्म माने बुरा किया, बुरा कार्य। स्कंधाभ्याम माने कंधों से, पिपासित माने प्यासे, निस्सारयतु माने निष्फल, तूषणिम माने चुपचाप, आखेटाय माने शिकार के लिए, वन महिष माने जंगली भैंसा, विज्ञाय माने जानकर, मुंचति माने छोड़ देता है, और पायतु माने पिला दे। इस प्रकार हमने पाठ में आए हुए शब्द और उनके अर्थ के बारे में जाना। एक्सरसाइज नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, श्रवण कुमार हंतुम कह बाण अक्षिपत, श्रवण कुमार को मारने के लिए किसने बाण फेंका? दशरथ ने। किसने बाण फेंका? दशरथ ने। आर्तनादम श्रुत्वा दशरथ ने किम अकरोत, आवाज सुनकर रोने की श्रवण कुमार दशरथ ने क्या किया? दशरथ है जलाशयम गच्छति, दशरथ तालाब की ओर जाता है कि ये किसकी आवाज आ रही है। श्रवण कुमार है दशरथ प्रति किम अकथ्यत, श्रवण कुमार ने दशरथ को क्या कहा? अहम एका पथिक अस्मि स्वपित्रौ कृते जलम आनेतुम आगतः, मैं एक पथिक हूँ, अपने माता पिता को जल लेने के लिए यहाँ आया था। श्रवण कुमार से रत्तम श्रुत्वा दशरथ किम अकरोत, श्रवण कुमार की बात सुनकर दशरथ ने क्या किया? श्रवण कुमार से रत्तम श्रुत्वा दशरथ स्वयमेव तत्र गत्वा ताभ्याम जलम दास्यति, उन दोनों को खुद जल देता है। दशरथ श्रवणस्य पितरौ प्रति किम अकथयत, दशरथ ने श्रवण के माता पिता से क्या कहा? एम दशरथ से नाम कौशलाधिप, अज्ञानतया मया महान अपराध कृतः, अज्ञानतावश मेरे से महान अपराध हो गया है, और क्या हुआ है कि मेरे द्वारा आपका बेटा मारा गया है। ऐसा दशरथ ने श्रवण कुमार के माता पिता को बोला। एक्सरसाइज नंबर 2 है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, स्वपित्रौ कृते - जलम आनेतुम आगतः, दूसरा है, अहम स्वयमेव तत्र गत्वा ताभ्याम जलम दास्यामि, नेक्स्ट है, क्षम्यताम अहम
दशरथ नाम कोचला विपद। नेक्स्ट है फिर अज्ञानात मया महान अपराध कृत, अज्ञानतावश मेरे से एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। नेक्स्ट है फिर अम आखेटाए जलाशयम घट शब्दम श्रुतवा विचरितम, मैं शिकार के लिए जलाशय में घड़े की आवाज को सुनकर मैंने ऐसा विचार किया। इस प्रकार हमने बच्चों ये पाठ में आए हुए प्रश्न उत्तर और रिक्त स्थानों को पूरा किया। हिंदी में अनुवाद करो एक्सरसाइज नंबर 4। मम माता पितरौ अति वृद्धौ तौ नेत्राभ्याम हीनौ च, मेरे माता पिता बहुत बुढ़े हैं और नेत्रहीन है। नेक्स्ट है अहम तौ स्कंदाभ्याम तीर्थ स्थानानि नयामि, मैं उन दोनों को कंधे पर तीर्थ यात्रा के लिए लाया हूँ। नेक्स्ट है अहम स्वयमेव तत्र गत्वा ताभ्याम जलम दास्यामि, मैं खुद वहां जाकर उनको जल दूंगा। नेक्स्ट है मम हृदयात एवं शल्यम निस्सारयतु, मेरी छाती से ये तीर निकाल दो। नेक्स्ट है अज्ञानात मया महान अपराध कृत, अज्ञानतावश मुझसे महान अपराध हो गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों संस्कृत में अनुवाद करने हैं, मुझ निर्दोष को मारने के लिए किसने बाण छोड़ा। मां निर्दोषम हंतु कह बाण अक्षिपत, मैं एक गरीब यात्री हूँ, अहम एक अपिंचन पथिकः अस्मि। नेक्स्ट है मेरे माता पिता नेत्रों से हीन है, मम माता पितरौ नेत्राभ्याम हीनौ च। नेक्स्ट है मेरे माता पिता प्यासे हैं, मम माता पितरौ पिपासितौ स्तः। नेक्स्ट है आप जाकर उन्हें जल दे दे, तत्र गत्वा तौ जलम पाययतु। इस प्रकार हमने एक्सरसाइज नंबर 5 संस्कृत में अनुवाद किया। एक्सरसाइज नंबर वाक्य बनाई, कैसे वाक्य बनाने हैं, जैसे निर्दोष सह निर्दोष है अस्ति, अक्षिपत अक्षिपत, दशरथ है बाणम अक्षिपत, आर्तनाद है तस्य आर्तनाद है श्रुत्वा सह जलाशयम अगच्छत, दुष्कृतम महत दुष्कृतम जातम। नेक्स्ट है पिपासितौ तौ पिपासितौ स्तः, आखेटाय सह आखेटाय वनम गच्छति, शिकार के लिए वन जाता है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों संधि करनी है हमें, यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं इनको की हमें ये विच्छेद है, हमें इनको संधि करनी है। अत्र प्लस आगत है अत्रागत अत्रागत। नेक्स्ट है वचन प्लस अनुसारम वचनानुसारम। नेक्स्ट अभी तस्य उत्सव तस्योत्सव, तज्जलम तज्जलम। नेक्स्ट है तव इदम तदिदम, तव औदार्यम तव औदार्यम, महा प्लस उत्सव महोत्सव, कह प्लस अपि को अपि पूर्व रूप संधि। तो यहां हमने बच्चों कुछ शब्द थे जिनका कि हमने संधि किया, ये विग्रह थे उनका हमने संधि की। रचनात्मक कार्य हमारी एक्टिविटी है जो कि आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करके अपने अध्यापिका महोदय को दिखानी है। श्रवण कुमार के वाक्य में श्रवण कुमार के बारे में कुछ वाक्य लिखिए, आपने पाठ से भी जाना, आप हिंदी में भी लिख सकते हो वो वाक्य। कुछ वाक्य श्रवण कुमार के विषय में लिखिए, कैसा था, क्यों आया था वो, क्या हुआ उसके साथ, उसके माता पिता कैसे थे, श्रवण कुमार के बारे में 5 वाक्य या ज्यादा भी लिख सकते हैं आप, हिंदी में लिखें या संस्कृत में लिखें और अपने अध्यापक या अध्यापिका को दिखाएं कि हमने संस्कृत में ये कार्य किया है। नेक्स्ट पाठ में बच्चों हम आपसे फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, आभार।